धारणा कांग्रेस को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस के वॉर रूम में 15 जीआरजी में बैठक, आपको बता दें बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे और बैठक में आलाकमान की तरफ से नामों पर मंथन हुआ है, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बैठक में आलाकमान की तरफ से नामों पर मंथन हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। पुराने नामों पर नहीं बनी सहमति, ये हैरान करने वाली खबर सूत्रों के हवाले से, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस से को लेकर मंथन हुआ है, जहां पर कांग्रेस के वॉर रूम में 15 जीआरजी में बैठक हुई और इसके साथ ही बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे और यहां पर बैठक में आलाकमान की तरफ से नामों पर मंथन हुआ है, जिनमें से पुराने नाम ये कहा जा रहा है कि उन पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, यानी कि नए नामों पर ज्यादा जोर देने की कोशिश है। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक है और ऐसे में कांग्रेस के वॉर रूम में 15 जीआरजी में बैठक, बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे, जहां पर कई नामों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में आलाकमान की तरफ से नामों पर मंथन हुआ है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये खबर देख रहे हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस को लेकर मंथन हुआ है, जहां पर नामों को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस के वॉर रूम के 15 जीआरजी में बैठक हुई, जहां पर आपको बता दें बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे और कई नामों को लेकर यहां पर मंथन हुआ है। बैठक में आलाकमान की तरफ से नामों पर मंथन हुआ, लेकिन पुराने नामों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, तो सहमति नहीं बन पाई है पुराने नामों पर। ऐसे में नए नामों को लेकर मंथन हुआ, देखना यह है कि आगे क्या कुछ ऐलान जो है आलाकमान की तरफ से किया जाएगा, पार्टी आलाकमान की तरफ से क्या कुछ सख्त निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे और क्या कुछ बड़े आदेश जारी किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता दीपक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक में जो मंथन हुआ है? कहा जा रहा है कि पुराने नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, यानी कि नए नामों पर बातचीत हुई है, कौन कौन से वो नाम शामिल है बताइए जरा। जी बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश की कमान किसके पास हो इसको लेकर के पार्टी लगातार मंथन कर रही है। संगठन कैसे मजबूत हो इसको लेकर के चर्चा की जा रही है, नए चेहरे को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसी को लेकर अगर बात करें दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा 15 जीआरजी यानी गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो कांग्रेस का वार रूम है, वहां पर आज कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी हरियाणा कांग्रेस को लेकर के। ऐसे में दीपक, लगातार जो बैठक ये चल रही है, अभी कुछ फाइनल हो पा रहा है कि आखिर कौन कौन से वो नाम आगे चल रहे हैं जिन पर ऐलान हो सकता है? देखिए, अभी कई नामों को लेकर के चर्चा की गई है इस बैठक की। अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, एके एंटनी तमाम लोग मौजूद थे और जो नामों पर चर्चा की गई थी अलग अलग नामों को लेकर के यहाँ विचार किया गया था। एक तरफ तो हालांकि अगर बात करें दीपेंद्र हुड्डा के नाम को लेकर बात की गई थी, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर बात करें जाति समीकरण देखते हुए यहाँ पर गीता भुक्कल के नाम को लेकर के भी अभी बात रखी गई है। गीता भुक्कल के साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ और नाम है जिसमें उदय भान है, अगर बात करें जो कि पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो उदय भान को भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए इसको लेकर के चर्चा की गई है। कुलदीप बिश्नोई के नाम को लेकर के चर्चा की गई थी, तो ये जाति समीकरण का, हालांकि आप कुलदीप बिश्नोई ने इस बात को जो है ना कहीं उसके चेहरे को लेकर जब नाम सहमति नहीं बनी, तब उसके बाद अगर बात की जाए गीता भुक्कल, उदय भान जैसे कई नामों को लेकर के चर्चा की गई है। हालांकि अभी जो बात है, तमाम जो चर्चाएं हुई है इस पर कोई भी पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं है कांग्रेस के नेताओं की अगर बात की जाए, लेकिन ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अभी लगातार नामों को लेकर